ली चलते हैं आपको ईटा की ओर, जहां पर समाजवादी पार्टी के 7 सदस्यीय प्रतिमंडल पहुंचे ईटा। साथ ही उन्होंने कहीं जगह का किया निरीक्षण। समाजवादी पार्टी के 7 सदस्यीय प्रतिमंडल पहुंचे ईटा, जहां उन्होंने कई जगह का किया निरीक्षण। आपको बता दें कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर पहुंचे ईटा, जहां पर उन्होंने ईटा पहुंचकर तोड़ी गई दरगाह व तोड़े गए मकानों का भी किया निरीक्षण। सिविल लाइन ईटा में तोड़े गए मकान के भवन स्वामी सोनू कुमार व उनके परिवार से की मुलाकात। पूर्व सांसद और वर्तमान के दिव्यापुर के विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि जितना अन्याय ईटा में हो रहा है, चाहे दरगाह तोड़ी जा रही है या चाहे किसी के मकान तोड़े जा रहे हैं, दरगाह को बुलडोजर से तोड़ना गलत, कोई भी धार्मिक स्थल नहीं तोड़ा जाना चाहिए। सपा 7 सदस्य प्रतिमंडल ने एसएसपी ईटा कार्यालय पहुंचकर एसएसपी ईटा से भी की मुलाकात। आज समाजवादी पार्टी का 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आया है और अभी आपने यहाँ पे आके जो बाबा मुल्ले शाह की दरगाह थी जिसको ध्वस्त कर दिया गया बुलडोजर, देखा है, क्या कहना चाहेंगे? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर एक प्रतिनिधि मंडल आया है 7 सदस्य, और जिसमें सारे विधायक, पूर्व MLC और संगठन के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लेकिन जितना अन्याय ईटा में हो रहा है, चाहे दरगाह तोड़ी जा रही हो, चाहे किसी के मकान नक्शा पास है, उन पर बैनामा है, सब कुछ है, बिना देखे द्वेष भावना से जो ये कार्रवाई कर रहे हैं, इस कार्रवाई का हम लोग विरोध कर रहे हैं और पूरी रिपोर्ट तैयार करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देंगे और ये विधानसभा में क्वेश्चन हम लोग पुटअप करेंगे कि आखिर जिनमें कोर्ट तक के स्टे हैं और उनमें भी अन्याय किया जा रहा है, जबरदस्ती कर रहे हैं, ऐसे ऐसे मुकदमे जो एक बार लिख चुके हैं दोबारा फिर लिख दिए गए, सेम मुकदमे वही और वही घटना दिखाई गई। तो ये जो अन्याय हो रहा है, जनता ज़्यादा दिन अन्याय को बर्दाश्त नहीं करती है और समाजवादी पार्टी तो हमेशा संघर्षशील पार्टी रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पूरी रिपोर्ट देंगे, इसके बाद पार्टी कोई ना कोई तरीका अपनाएगी जिससे जनता को न्याय मिलने का काम हो सके। क्या ये जो बाबा मुल्ले शाह की दरगाह तोड़ी गई है बुलडोजर से, इसका प्रश्न भी आप विधानसभा में उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे, बिल्कुल रखेंगे, वहाँ पटल पर भी रखेंगे, इसकी रिपोर्ट भी रखेंगे।